भाई ठीक है। ठीक है यार। देखिए माँ हॉस्पिटल में एडमिट हो रखा है। हाँ भाई कल फिर आता हूँ फिर मैं। ये कुछ घसीट रहा है भाई, इसके हाथ में कुछ है। ये क्या खींच के लाया यार? पता नहीं यार, कुछ तो है यार। सुन सुन, पास बचा, पास बचा, पास बचा विवेक। हेलो गाइस, कैसे आप सब? मैं कबाई अलबादी और आप देख रहे अलबादी लोग। तो इस लास्ट वीडियो में आपने देखा था, उस खंडर में हम सीसीटीवी कैमरा लगा के आए थे। अभी जाके उसको चेक करेंगे उसमें क्या कुछ रिकॉर्ड हुआ है। तो गाइस अभी मोहित विवेक और कॉल किया था, वो भाई अभी बिजी है, अभी अकेले वहाँ पे जाना सेफ नहीं, क्योंकि भाई अगर वो वहाँ पे आ गया ना तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस उस खंडर में तो शाम को चलेंगे जब सारे बंदे इकट्ठे हो जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ एक बार फ्लैट साइड देख के आऊँ, जहाँ पे नीको गया था ना 13 फ्लोर पे, वहाँ पे देख के आता हूँ, क्योंकि अभी दिन है तो अकेला भी जा सकता हूँ। तो एक बार 13 फ्लोर पे चेक करके आते हैं वहाँ क्या कुछ ना। गाइस मैं भी अभी 13 फ्लोर पे जाके देखता हूँ भाई, एक बार पहले जा रहा हूँ, पर थोड़ा सा डर तो लग रहा है भाई साहब। दिन में ये ऐसा माहौल हो रखा है यहाँ पे, तो रात में तो बिल्कुल नहीं आया जाएगा। खून में तो डोर्स वगैरह भी नहीं लगे हुए, एक बार ऊपर जाए चेक करके आता हूँ भाई। गाइस सीढ़ियाँ यहीं तक खत्म होगी, वहाँ पे कैसे जाए? सही रहा मैं रात को नहीं आया, वरना सीधा नीचे गिरता जाके। वापस नीचे जा रहा हूँ और भाई वहाँ पे जाने का तो रास्ता मिल ही नहीं रहा, ऊपर जाते ही सारी सीढ़ियाँ खत्म हो गई। आस पास हर जगह देख लिया पर ऊपर जाने का कहीं पे भी रास्ता नहीं दिख रहा। ये सीढ़ियाँ यहाँ पे आगे खत्म हो जाती है, अगर रात को आता ना मैं सीधा यहाँ से नीचे गिर जाता, दिखता भी नहीं कुछ भी। दिन में भी अजीब सा माहौल हो रखा, अभी निकलता यहाँ से बस। किसी दिन सारे इकट्ठे हो गए और भाई रात को आएंगे, वो चेक करेंगे यहाँ पे क्या सीन है। तो भाई जाना माहौल तो ऐसा रखा, मैं अपने फ्लैट पे भी नहीं गया भाई, फ्लैट पे जाने में भी डर लगता है अब तो। ओ बेसमेंट में कैसे आ गया भाई साहब? तो ऐसे का दबाया तो पता नहीं बेसमेंट में कैसे आ गई लिफ्ट। फ्लैट पे अजीब सा ही सीन हो गया, तो ऐसे दबाए तो पता नहीं बेसमेंट में जाके क्यों खुल गई भाई। 13 फ्लोर पे तो पहुंच गया होगा, माहौल तो काफी अजीब सा हो रखा। और भी जहाँ पे निकू गया था टेरेस पे, वहाँ जाने का मेरे को तो रास्ता ही नहीं मिला। अभी किसी दिन इकट्ठे हो गए, मैं भी विवेक मोहित और जाएंगे सारे। अभी तो घर साइड चलता, कुछ खा पी के उनके पास निकलते फिर। ये देखो भी राक्षस कैसे रास्ते में खड़ा हुए। तेरी तो नहीं डेविल, खत्म। जिसने जब से आदम खोर को पाड़ा ना भाई, ये तो काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गया, ये अटैक करने लग जाता है। ये देखो मेरे हाथ पे निशान डाल दिया अभी। भाई जब थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेता उसके बाद चलते हैं, विवेक और वेट कर रहे हैं। तो गाइस उन्होंने इतनी जल्दी मचा दी भाई, फ्रूट्स भी बॉक्स में पैक करके लेके जा रहा हूँ। तू कहाँ पीछे लग गया मेरे? पीछे ले अविले पिटाई हो जाएगी, पीछो। आदम खोर के पास जा रहा हूँ। नहीं तेरे को नहीं जाना, जो काट लेगा तो उसको। मैं तो सोच रहा था कि डेविल को ही लेके चलो भाई, डेविल को देख के तो उसकी हालत खराब हो जाएगी दोबारा से। अब उस चीज के बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह भी तो नहीं पता, उसको किस चीज से डर लगता है, क्या चीज उसकी कमजोरी है, किसी को इस बारे में पता हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। सारे इकट्ठे तो हो चुके हैं भाई, कहाँ बिजी थे तुम दिन में? मैं फ्लैट पे गया था। गर्मी देर क्या करा फ्लैट पे? 13 फ्लोर पे जाके देख के आया था। अकेला ही चलाया? तुमने तो फोन उठाया नहीं यार। अरे तो हमने किसी को तो लेगा ईशान ईशान, किसी ने फोन नहीं उठाया, फिर मेरे को लगा कि चल मैं अकेला ही चला जाता हूँ। ऊपर जाके देखा मैंने वो सीढ़ियों के आगे रास्ता ही नहीं, पता नहीं टेरेस पे जाने का रास्ता कहाँ से है, वही नहीं मिला मेरे को। तो निकू भी तो गया था ऊपर भाई, उसको पता नहीं रास्ता कहाँ से मिल गया यार। अरे वो तो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल में बरेडा लाइफ चैलेंज किया, पता नहीं उसका क्या हो गया भाई, वो हॉस्पिटलाइज हो रखा है, मेरे को तो पता ही नहीं। गाइस एक बार कॉल करके पूछ लेता यार, मैंने तो वीडियो भी नहीं देखी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो जो गया था ना वहाँ पे, वहाँ से भी तो हो सकती है बेसमेंट से। हाँ बेसमेंट में उनको भी तो उससे ही दिक्कत हो गई थी, क्या पता उसको भी हो सकता भाई। ये चीज भी भाई नेगेटिव एनर्जी तो इफेक्ट तो करती है भाई, इफेक्ट करती है यार भाई। एक बार उसको कॉल करके पूछ लेता हूँ क्या हालत है उसकी। क्या पता भाई, वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हो, कट कर दे बाद में कर लियो। हाँ यार बाद में ही कर लियो, जा करके ही मिल लेंगे ना। तो कॉल नहीं उठा रहे यार, क्या बता रहे, एसएमएस कर रहा हो। गाइस वहां से तो निकल लेते, पर जा कहां रहे ये तो बता दे। तेरे को आदम खोर वाली जगह पे लेके जा रहे हैं। तो पागल है क्या, साड़ी में लगाई पर इसको। अरे वो सीसीटीवी उठा, मैं तेरे को बोल रहा हूं, एक बार साड़ी में लगाइयो, एक बार देखियो, ये सूज गया पूरा का पूरा यहां से। ओ भाई साहब इंफेक्शन हो गया भाई, इंफेक्शन बन गया बिल्कुल पैर में। देखो डॉक्टर को मैंने पहले भी कहा था कि भाई आदम खोर था भाई, वो मानना ही नहीं यार, उसने ना वो रेबीज वेबीज वाला होता ना वो वाला इंजेक्शन। फिर आप क्या बोला डॉक्टर भाई? डॉक्टर ने को मैंने जब वो दिखाया उसको खुद ही चीज भाई साहब समझ में नहीं आ रही कि ये क्या चीज है। टेस्ट कराना पड़ेगा यार, इसमें की ब्लड में ना फैल गई सारी चीजें। देखिए यहाँ से भाई इन्फेक्शन कहाँ तक गया ये? यहाँ तक है भाई ये। इस चीज का तो मेरे को पता ही नहीं, तो ना तो तूने बताई ये चीज की। यार दिन में तो सो गए थे ना, ये इतना कहाँ हो गया यार, बात ही नहीं हुई। मैं इसलिए ये लाइटली मतलब ले लिया कि हो गया होगा ठीक, बट भाई ये इन्फेक्शन तो यार बहुत दिक्कत है। मैं इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ कि मत जाओ यार वहाँ पे। फिर तो भाई वहाँ जाना बहुत गलत है वो भाई यार, कैमरे की क्लिप तो उठा के लानी पड़ेगी ना। ये करते हैं कि वो कैमरा उठा लाते हैं यार। मेरे को सही में इन्फेक्शन की नहीं पता थी, वरना मैं तेरे को सही में नहीं लेके आता भाई, बहुत गलत चीज है भाई वो। जब भी उसी जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे पहुँच के मिलते फिर। निकू की मिस कॉल आ रखी है। हेलो क्या हाल है भाई? ठीक है ठीक है।
बढ़िया माँ, वीडियो देखी माँ, हॉस्पिटल में एडमिट हो रखा है। हाँ भाई। क्या अभी भी हॉस्पिटल है? कौन से वाले में? भाई ब्रह्म शक्ति। अच्छा ब्रह्म शक्ति में, चल फिर आता हूँ फिर मैं। ठीक है भाई। जंगल में एंट्री किया था भाई, एंटर करते ही इतनी तेज आवाजें आ रही है भाई। किस चीज की आवाज है भाई? और वो भी बिल्कुल ऐसे ही कानों में ना दर्द हो रहा है इसको सुन के। बस हम देख करके चलिए यार, आवाजें कंटिन्यूअसली आ रही है, बंद भी नहीं हो रही। बंद ही नहीं हो रही यार, जब से ही आ रही है। सो गाइस खंडर पे भी आ चुके हैं। कोई नहीं, बस तो वो कैमरा उठा ले। तो गाइस अभी जल्दी से कैमरा उठाने जा रहे हैं, नहीं ले सकते क्योंकि डेविल ने उसको काट लिया था ना वो। बस यार वो यहाँ पे हो ना यार, बस यार वो कहीं ना हो। देख लेते ना कि अंदर चल कर देखे यार। क्या देखेगा? ऊपर लाइट मारियो, उस साइड ऊपर ऐसा लगा जैसे छत पे कूदा कोई। भाई छत पे तो नहीं है वो। कैमरा उठाई बार अंदर देख के आ रहे हैं यार, उस वाले कमरे में वहाँ पे देख के आते हैं। दूर से इतनी पुरानी बिल्डिंग है ये। आवाज भी आ रही है। गाइस क्या हालत हो रखी है यहाँ की? यहाँ पे तो नहीं बैठा हूँ लास्ट टाइम। कहाँ था? अरे इस वाले गेट के पीछे था भाई। कहीं गेट तो खुला हुआ है। ये तो पंजों से फाड़ रखी है, देखियो ये नीचे वाली तो ज्यादा फाड़ रखी है, लास्ट टाइम इतनी नहीं फटी हुई थी। निकल निकल जल्दी निकल। विनीत भाई साहब कहाँ चला गया वो? विनीत कहाँ चला गया यार वो? फोन करिए, फोन करना यार उसके। कोई वो आदमखोर के साथ उसकी झड़प होगी हो। विनीत भाई नेटवर्क ही नहीं है यार। तुझे मेरे में देखता हूँ मैं। ना बताए तो नहीं जाता यार वो ऐसे। विनीत कहाँ पे है? अरे कहाँ पे है भाई तू? अरे यार पागल है यार। चल 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 चल। ओए किस चीज के पास थी ये? कोई सांप वाप ना हो मोहित, बस ये ध्यान रखियो। गाड़ी में आके बैठा हुआ है। तेरे गाड़ी में आने किसने बोली थी? अरे वापे तुम ज्यादा अंदर चले गए, मेरे को डर लग रहा था, फिर मैं गाड़ी में आके। आवाज तो मार देता। आवाज हो गया, आवाज मारी थी मैंने तुम्हें। कैमरा तुम्हें आया? हाँ उसकी मैंने क्लिप ले ली फोन में, निकाल ली। एक बार देखियो क्या है यार। इसको फास्ट फॉरवर्ड करना, इसको मतलब पूरी रात की देखना कितना यार। ये 9 बजे तक तो कुछ नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड कर दे एक बार। अरे रुक कुछ था क्या? ये देख पीछे देख एक बार, उधर से। ओ भाई है? दिखा भाई, रुक जा देख। एक सेकंड पीछे। टाइमिंग क्या है भाई? सुबह के 4 के आसपास किया है। सुबह के 4? ये देख भाई ये रहा इसमें, ये कुछ घसीट रहा है भाई। ये देख ये क्या खींच के लाया यार? पता नहीं यार, कुछ तो है यार। इसने जरूर कोई जंगल में ना जानवर मार दिया होगा। उसकी पूंछ पकड़े ला रहा है तो भाई। क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से जंगली सुअर हो सकता है। मेरे को उसके बाद का नहीं है भाई, अब तक मतलब कुछ नहीं है। अब तक फिर कुछ नहीं है, दिन में भी कुछ नहीं है। उसके बाद मतलब बाहर आने के लिए कोई मतलब वो नहीं है क्लिप। यार हम तो अंदर गए थे, वो अंदर तो दिखा नहीं हमें भाई। अंदर तो था ही नहीं भाई, वो लग रहा है वो अंदर ही होगा कहीं पे भाई। उसको आवाज सुन सुन, हमने ध्यान से देखा था। सुन मैं जाल ला रखा हूँ, आज मैंने तुम्हें बताया नहीं कि उसे कैप्चर करना। पूरी रात ये बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल सेम स्टिल, बिल्कुल स्टिल है। कुछ नहीं आया। एक काम कर, चल वो निकाल। जाल लेके, जाल से क्या क्या करेगा यार? आज मैंने सोची थी कि जाल लेके आएंगे, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे भाई। वो यार क्यों इतना रिस्क ले रहे हो? नहीं पागल हो गया भाई, तूने बोला था कि यार सिर्फ वो कैमरा उठाना है। दोबारा किसी को काट लिया फिर क्या करेगा तू? एक काम करेंगे, जाल लगा के आ जाएंगे, बस इतना कर लेंगे भाई। सर बार बार लगा दो तो अंदर नहीं जाएंगे, बस बाहर जो एंट्री है ना जहाँ से वो आता जाता है, जहाँ से दिखाया ना घसीट के लाया, वहाँ पे जाल लगा के वापस आ जाएंगे। जाल किसी को लगाना भी आता है? अरे आता है मेरे को। तो फैला ले भाई, फैला ले। किस तरह फैला ले भाई साहब? कहीं आस पास ना आ जाए वो। अरे यार तू अरे आवाज क्यों कर रहे हो? अरे आवाज मत करो यार, आस पास होगा तो वो सुन के आ जाए। भाई जब ये जाल वाल लगा रहे हो भाई, तगड़ा लगा दिया यार। ये है कि वो ना बीच वाले रास्ते से आया, अगर साइड वाले से आया तो निकल जाएगा। साइड से आया ना वो, उसको पूरा चिपक जाएगा। दोनों साइड ना रबड़ लगी हुई है। अच्छा, साइड वाला हिस्सा तो उसके ऊपर चिपकेगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, निकल के भाग जा। अरे बीच से आया ना तो उसको पकड़ ले भाई साहब, मतलब इसका टच होती है एकदम से उसको, मतलब चारों तरफ से घेर लेगा भाई साहब। भैया जकड़ ले, हम सही हो जाएगा। चल 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 चल, अब निकलते हैं यहाँ से। भाई जाल तो यहाँ से लगा दिया, अभी यहाँ से निकलते हैं। चाबी कहाँ है? भैया क्या आवाज आ रही है? आवाज आ रही है।
यार ये जाल से कैसे निकल गया? वो तो बोल रहा था यार ये निकलेगा नहीं यार। भाई साहब ये निकल कैसे गया तू? वो फंसा हुआ था ना। हाँ ये पता नहीं उससे आतापाई कर रहे थे ना, तब वो निकल के भाग गया उसमें से। भाई क्या आतापाई भाई, उसको जो कोना तूने पकड़ा था ना वो नहीं पकड़ना था भाई, उससे सारा जाल खुल गया यार। ये तो यार इतनी जरूरत पे कोई दिखेगा थोड़ी ना, मैंने तो सिंपल सा जो चीज मेरे सामने, मैं तो बस उसको खींच रहा था कि उसको लेकर के चले। इसकी वजह से ना मैं भी कुछ हो सकता था भाई। यार तुम यार मौसम खराब हो गया यार, खराब हो गया, यहाँ से निकलो भाई अभी। वापिस घुस गया भाई वो अंदर यार, मतलब वो अंदर ही बैठा हुआ था जब हम वहाँ पे अंदर गए थे यार। देख ले यार भाई तुम जब हम उठाए थे तो तुमने नहीं दिखा, वो सबका छिपके बैठा हुआ था, वो हमें पता ही नहीं चला। अरे और हमारे पास तो कुछ था भी नहीं भाई, डंडा वंडा कुछ भी नहीं था, जैसे हम अंदर गए यार आज तो कुछ भी नहीं। भाई दिन का टाइम पे आएंगे भाई इसको पकड़ने के लिए। भाई भाई वहाँ से निकल के तो घर साइड आ चुके हैं। भाई साहब तूने सारा सीन खराब करा दिया आज। मैंने क्या सीन खराब करवा दिया आज, तो मरते मरते बचे हैं। इस सिचुएशन में पता थोड़ी चलता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। यही तो बात है भाई, भाई वो इतने मतलब जल्दबाजी में इतना तुरते फुरते में वो जो चीज वो सामने थी मैं खींच रहा था उसको। ये देखना ये सबसे आगे जा रखा इसको इतना काट रखा, दोबारा तेरे को काट लेता भाई। अरे मेरे को वो जाल में वो लिपटा हुआ दिखा की उसके हाथ वाथ मतलब ऐसे ही फंसे हुआ, तो मैं उसको मतलब खींच लूंगा, तो तुम लोग मैं तो वेट में था कि तुम लोग तो वो जो चीज दिखी वो खींच ली। सुन नेक्स्ट टाइम बड़ा जाल लेके आना पड़ा मेरे ख्याल से, इसमें से काम नहीं चलेगा। और भाई प्रोटेक्शन के लिए डंडे वगैरह भी लेके चलने पड़ेंगे। हर बार भूल जाते हैं हम, जाते ऐसे ही चले जाते यार। डंडे गाड़ी में रखे तो हुए देख, एक एक तो ये रखा हुआ भाई ले जाना। आज वाला जाल तो फेल हो चुका भाई, नेक्स्ट टाइम ऐसा वाला फंदा लेके आएंगे जिसमें पैर लगती भाई वो ऊपर हवा में लटक जाएगा ना, किसी को उल्टा होता जैसे। हाँ 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 भाई, ना ही किसी को काट पाएगा, उस चीज में हमारी प्रोटेक्शन रहेगी भाई। मौसम खराब है ना, घर उतार देता फिर घर जाने के बाद बात करेंगे भाई। सब छोड़े घर पे तो आ चुका था, खाना पीना भी मैंने खा लिया, और भाई वहाँ की बात करें तो वहाँ पे आज वीडियो में हमने सीसीटीवी लगाया था भाई। सीसीटीवी का कोई फायदा नहीं, उसमें एक बार दिखाई दिया जैसे किसी जंगली सूअर को लेके जा रहा है, हमने उसे आज जाल में भी पकड़ने की कोशिश की, उसमें भी बच गया आज। अभी नेक्स्ट टाइम कोई बढ़िया ट्रैप लेके जाना पड़ेगा उसे पकड़ने के लिए, सारी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी काफी लेट हो चुका है, मैं भी काफी ज्यादा थक चुका हूं। इस वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारे भाई का चैनल है अलबादी का, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।